शहर में आया तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि अभी मैं 90% का हिस्सा हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आना चाहिए कि मैं 10% का हिस्सा बनूँ। इसी पालिका बाजार में 267 नंबर एक शॉप है, उसके आगे मेरा हैंगर टंगता था जहाँ मैं चाय की पत्तियाँ दोपहर में बेचता था, शाम को शर्ट बेचता था। और मैं वेट करता था कि एक बार अपॉर्चुनिटी तो आएगी ज़रूर, मौका मिलेगा। मैं कंपनीज में अप्लाई करता था इंटरव्यूज़ के लिए, मेरी क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं थी, आई वॉज हार्डली ग्रेजुएट इसलिए क्योंकि बचपन से परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। तो हमारे खानदान में आप जानते हैं, दसवीं पढ़ गए तो बहुत पढ़ गए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिताजी का एक ही डायलॉग था, दुकान पे बैठना है। पर दोस्तों वक्त बदला, मैंने यहाँ नौकरियाँ बहुत सारी की, सेल्स की नौकरी, मुझे किसी ने गुरु ने समझाया था कोई भी नौकरी मिले तो एक डिपार्टमेंट ज़रूर पकड़ना जिसका नाम है सेल्स डिपार्टमेंट, क्योंकि तनख्वाह के साथ साथ इंसेंटिव भी मिलेगी। सिंपल सी बात, अगर तनख्वाह के लिए काम करोगे तो दो वक्त की रोटी याद रखिएगा, और इंसेंटिव के लिए काम करोगे तो किस्मत बनाओगे। तो मेरा फोकस तनख्वाह पे नहीं था, तनख्वाह पे तो घर का किराया निकल जाता था, मैं इंसेंटिव पे फोकस करता था। और तब मुझे बोलने की कला नहीं आती थी कि नेगोशिएशन स्किल क्या होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल क्या होते हैं, तो मेरे गुरु ने सिखाया, सेल्स ट्रेनर ने मुझे सिखाया, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तेरा कॉम्पिटिटर या तेरा सीनियर 10 लोगों से मिलता है और 7 लोगों को प्रोडक्ट बेचता है तो कोई बात नहीं, तू 20 लोगों से मिल, कम से कम 5 को बेचेगा, रेशियो में तू बेच देगा। मैंने देखा एक दिन DTC बस में जब मैं चढ़ा तो एक भिखारी से मैंने सेल्समैन की टेक्निक सीखी, बड़ी अच्छी टेक्निक है, 70 लोगों को पर्ची बांट देता है और वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। आप सोचिए इसका मोटिवेशन कहाँ से आता होगा, इसका इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? इसको एवरेज पता है 70 में 10% 7 लोग मुझे भीख देंगे, और 7 लोग उसको भीख देते हैं 2 रुपये के हिसाब से 14 रुपये, 14 रुपये पर बस होती है, 10 बस मिला के 140 रुपये पर डे की उसकी कमाई है, वो हमसे अच्छा बड़ा एंटरप्रेन्योर है। और आप यहाँ पे देखिए, मज़ेदार चीज़ देखिए, मैंने सर्विस सेक्टर में काम किया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम किया, सेल्स में काम किया, सब जगह नौकरियां की, और मेरी अंतिम नौकरी थी HP जिसका लैपटॉप आप यूज़ करते हैं, मैं टेक्निकल एरिया में काम करता था सर्विस सेंटर में। तो दोस्तों ये सारी चीज़ ऑब्जर्व करते करते मैं वेट कर रहा था कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले। दोस्तों वो दिन लद गए, ये 90% की जो कैटेगरी है ये जुगाड़ वाले कैटेगरी है, मैं उन 10% में जाना चाहता था। जब मैंने 1994 में मोटिवेशनल ट्रेनिंग के सेक्टर में काम करना शुरू किया तो इस इंडस्ट्री के जो टॉप 10% लोग हैं जिनका नाम मैं मंच से ले नहीं सकता हूँ, उनके ऐसे ऐसे व्याख्यान आने लगे कि मैं गरीबों का मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं फुटपाथ के लोगों का मोटिवेशन, क्योंकि मेरे लोग आम जनता है, मैं आम जनता को पिकअप करता हूँ और उनमें जोश डालने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे गुरुओं ने ये बताया था कि आगे जाते हुए आदमी को कभी लात मत मारना, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आदमी कोई आगे जा रहा है, इफ यू किक दैट मैन यू आर इंक्रीजिंग स्पीड। तो ऐसे कुछ लोग चाहिए जीवन में जो आपको क्रिटिसाइज करें, जो आपको डिमोरलाइज करें, क्योंकि यही लोग हैं जो आपको मोटिवेशन देते हैं, यही लोग हैं जो आपकी जिंदगी बनाते हैं। वो इंडिया हो, अमेरिका हो, कोई भी कंट्री हो, कंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नई बस्ती हो, न्यूजीलैंड हो, न्यूयॉर्क हो, देश से कोई फर्क नहीं पड़ता, सोच से फर्क पड़ता है। दोस्तों मैंने अपनी यात्रा 94 में शुरू की, ट्रेनिंग में नौकरी के हिसाब से शुरू की, 2000 आते आते मुझे लग गया था बहुत हो गई नौकरी, अब अपनी कंपनी बनाने का समय आ गया। 29 सितंबर अब आ गया, मैंने अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम है रीबर्थ मोटिवेशनल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। आज 13 साल हो गए, मैं पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी से गुजर चुका हूँ। अगर मुझसे कोई पूछता है राजेश जी आप कौन हैं, तो मैं कहता हूँ गूगल पर नाम टाइप कर देना, फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बस नाम टाइप कर देना, गूगल बता देगा मैं कौन हूं। और वो कहते हैं ये आपका अहंकार तो नहीं, मैं कहा नहीं, ये मेरा आत्मसम्मान है, ये मैंने अर्न किया है, ये मैंने पाया है।